अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम पार्टनर्स खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने जेएस कैश के ज़रिए बाइक या पार्टनर अकाउंट में पैसे किस तरीके से जमा करवाने हैं। जैसे कि आप सबके पास इस तरीके का एक मैसेज आया होगा कि आपके अकाउंट की लिमिट कम कर दी गई है। यानी ये पहले 2,000 होती थी, माइनस में आपका अकाउंट जाता था। 2,000 के बाद आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता था कि पैसे जमा कराएंगे तो खुलेगा। उसको इन्होंने 500 तक लेकर आ गए। अब इसकी लिमिट और कम कर दी है। तो जो पार्टनर्स यानी कि फुल टाइम बाइक चलाते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलात हो जाएंगी इसके अंदर, क्योंकि हफ्ते के बीच में अकाउंट बंद हो सकता है उनका। तो उन्हें थोड़ी एहतियात करनी होगी। तो इससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अपने ही मोबाइल में जेएस कैश की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और इससे फ़ायदा उठाएँ। अगर आपको तरीका नहीं मालूम तो मैं आपको सिखा देता हूँ इसमें किस तरह आपने क्या करना होगा। और इसमें एक और चीज़ है कि आप एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करेंगे जेएस कैश की, तो आपको 50 रुपये का उसमें क्रेडिट मिलेगा। और आप उसमें पैसे रख के यानी कि उसमें पैसे दुकान से पहले लोड करवा लें, और जब आपका अकाउंट बंद हो या और कोई इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े तो आप खुद ही अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं दोबारा। और इस एप्लीकेशन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप बैलेंस भी डाल सकते हैं अपने मोबाइल नंबर पर, और भी बहुत सारी चीज़ें आप ये आपको दिखाएंगे किस तरह से आपने करना है। चलिए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में जाएंगे, आपने ऊपर सर्च फॉर ऐप एंड गेम्स की जगह पर यहाँ पर आपने टाइप करना है जेस कैश। ऐसे जेस कैश लिखेंगे आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। मेरे पास डाउनलोड है तो मैं अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास यहाँ पर अपडेट की जगह पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आपने वहाँ डाउनलोड के ऑप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको अपने NIC नंबर के ऊपर होगा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जेस का नंबर होना ज़रूरी है या ऐसा कोई वारिद का, कोई भी नंबर के ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी मेरे पास इसके अंदर मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है। आप इसे एक्टिव करेंगे उसी टाइम एक्टिव हो जाती है, कोई टाइम नहीं लगता है इसके अंदर। इसके बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी, आप खोलेंगे। फिर इसके बाद आपके पास इधर नीचे व्यू ऑल का ऑप्शन है, यहाँ जो मार्क किया हुआ वाइट से, इसको आपने क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके पास आएंगे। सबसे नीचे आपने देखना है इसके अंदर आपके पास कॉरपोरेट पेमेंट्स का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करेंगे। तो इधर सबसे ऊपर बाइकिया आ रहा है, इसके अंदर आपने बाइकिया को क्लिक करना है। यहाँ पर राइडर आईडी आ रही है, जिस नंबर पर आपका अकाउंट राइडर का यानी कि बाइकिया पार्टनर का अकाउंट एक्टिव है वो नंबर आपने यहाँ पर इंटर करके, फिर यहाँ नीचे इंटर करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे की राइट साइड पर एरो पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह आपके पास आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट है माइनस में वो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ रही होगी। ऊपर मेरा 118 है तो यहाँ पर 118 लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप इसके अंदर फुल पेमेंट नहीं करना चाहते, कम करना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ से आपने इसको यहाँ पर 118 पर क्लिक करके जितने की आप पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके अकाउंट में जैसे जेस कैश के अकाउंट में कम है पैसे, 100 रुपये मेरे पास, तो मैं 118 को काटूँगा या 100 लिख के, और नीचे यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इंटर हम इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ से आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं इसके अंदर जितने आपको पेमेंट करना चाहें। मैंने लिख दिया अपने वैल्यू। अब मैं यहाँ पर इंटर पिन के ऑप्शन पर अपना जो मैंने पासवर्ड रखा है ऐप का वो डालूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो डबल टिक का निशान है राइट साइड पर, इस पर क्लिक कर दूँगा। जब क्लिक हम इसको कर देंगे तो हमारे पास इस तरह की एक रसीद आ जाएगी, जैसे कि पेमेंट की ये बिल अमाउंट भी आ रही होगी आपके पास, और यहाँ कंज्यूमर नंबर आपका अपना होगा। इसको आप यहाँ से सेव करना चाहें सेव कर लें, ठीक है, और आपने पेमेंट कर दिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मज़ीद वीडियोस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।